how we are going to conduct this examination. That is the another issue. I am going to forward you five speeches. You need to select any two. That is your choice. You practice them. Okay. One speech you need to send it to me in the audio format. Okay. And keep one speech for 14th on live. You know, on the day itself, you are going to perform one speech. Is it clear? I'm going to forward you five speeches. You need to select any two out of five. That is your choice. No more questions in between. At the end of the session, I will, I'll be clarifying your doubts. So that is one area. Voice and speech ke liye main 5 speech bhejunga. Usme se aap 2 select karenge. दोनों को प्रिपेयर हो जाएंगे एक ऑडियो फॉर्मेट में मुझे भेज देना दूसरा जो होगा आपका चॉइस वो यू कीप इट फॉर ऑन 14th व्हेन यू विल बी कॉल्ड बाय नेम और अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल यू हैव टू परफॉर्म दैट इज अबाउट वॉइस एंड स्पीच एंड सेकंड थिंग इज आई एम गोइंग टू सेंड यू फाइव म्यूजिक पीसेस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अराउंड 2 मिनट्स ऑफ ईच उनमें से आप किसी दो को सेलेक्ट कर लीजिए उसका दोनों का वीडियो बना दीजिए और वो मुझे भेजना है क्योंकि उस दिन लाइव परफॉर्मेंस वीडियो उसका नहीं होगा आई एम गेटिंग सुशील कुमार आपका माइक्रोफोन ओपन है उसको कृपया करके बंद कर दीजिए फैजाबाद से और लास्ट एग्जाम इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिंग इसके लिए हमने ये प्लान किया है ऑन द डे वी आर गोइंग टू कंडक्ट वाइवा वोसी वी विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट Based on your performance on the day, how best you are going to answer my questions, how best you understand the concept of psychological aspects in terms of improvisations, that will be assessed and you will be given marks. Remember, this term and examination marks will be 70 because all your assignments are 30 marks and your final marks will be 70. Roundabout it comes to 100. Okay. तो अभी जो speeches और movement का जो speech का audio और movements का दो video जो है वो कब तक भेजना है 13 तारीख तक आज 3 तारीख हो गया 13th on or before 13th क्योंकि 10 दिन का time है ना this is a quite अच्छा time दे रहा हूँ मैं 13 तारीख 13 तारीख तक ऑन आर बिफोर वहां तक भेज देंगे और 14 तारीख हम लाइव एग्जामिनेशन करेंगे ठीक है तो उसके बाद कोई एग्जाम इसमें नहीं होगा सो यू विल बी कंप्लीटिंग योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज दी थ्योरी एग्जाम्स तो हो गए और थ्योरी एग्जाम्स का असाइनमेंट भी आपने दे दिया थी प्रैक्टिकल एग्जाम्स का असाइनमेंट भी कुछ दिया जो लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के या फिर थ्योरी एग्जाम्स के असाइनमेंट्स नहीं दिए उनका इवैल्यूएशन होना मुश्किल है क्योंकि इट्स अ रूल दैट बिफोर यू गो यू विल बी असेस्ड फॉर योर टर्म एंड एग्जामिनेशन योर असाइनमेंट्स शुड बी देयर इन द सेंस इन अदर वर्ड्स जो भी असाइनमेंट्स देंगे बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दे आर ओनली एलिजिबल फॉर गोइंग फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन अगर दे भी देंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाएगा आपको मैक्स मार्क्स अगर मिलेंगे भी तो आपको फाइनल नहीं होगा क्योंकि जो 30 मार्क्स का असाइनमेंट बिकॉज द कंटिन्यूअस असेसमेंट विच वी कॉल इट फॉर असाइनमेंट्स इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट आप एग्जाम फॉर्म में भी देखा होगा हैव यू सबमिटेड योर असाइनमेंट वहां पे एक टिक देंगे तो ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा है ना अगर आप असाइनमेंट नहीं दिया तो आप एग्जाम नहीं दे सकते थियरी का भी या प्रैक्टिकल का भी यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग प्रैक्टिकल का भी हो थ्योरी का भी हो असाइनमेंट जो भी बंदा दिया है वही आगे जाके अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन भी देगा या दे पाएगा ठीक है आपको क्लियर है 5 स्पीच मैं भेजूंगा 2 में सेलेक्ट कीजिए एक का ऑडियो बना के भेज दीजिए जो दूसरा स्पीच बचेगा वो 14 तारीख के लिए रिजर्व कर लीजिए 5 म्यूजिक पीसेस भेजूंगा उसमें से 2 सेलेक्ट कर लीजिए अपने चॉइस है मेरा कोई चॉइस नहीं है उसमें से आप उसको वीडियो बनाएंगे दोनों के और मुझे भेज देंगे और जहां तक इम्प्रोवाइजेशन का सवाल है
for improvisation. On 14th, we are going to conduct the viva. Questions will be asked by either me or the examiner can also ask. Examiner भी पूछ सकता है और मैं भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? उसके आधार पर आपकी मार्किंग होगी, ठीक है? Is it clear? So if somebody is having any doubts, doubt तो नहीं होना चाहिए था ना, clear है? टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दिस कोर्स इन इवेल्युएशन, टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन दिस कोर्स, टोटल मार्क्स फॉर ईच कोर्स इज 100 मार्क्स. यस, हाउ मेनी पेपर्स टोटल? 6. हाँ, 3 प्रैक्टिकल, 3 600. ओके, थैंक यू, आई गेट इट, थैंक यू. गुड इवनिंग सर, इट्स प्रेरणा. हाँ सर, माय थ्योरी एग्जाम इज क्लियर, थ्योरी असाइनमेंट इज आल्सो सबमिटेड, बट प्रैक्टिकल असाइनमेंट आई हैवंट नॉट सबमिटेड. सो इफ आई वांट टू सबमिटेड प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, देन व्हाट आई कैन डू? प्रेरणा जी, आपके लिए फिर हम देखेंगे, आप इस प्रैक्टिकल एग्जाम को पहले अटेंड कर लीजिए, क्योंकि यू आर फ्रॉम द प्रीवियस बैच, सिंस योर प्रोग्राम स्टडी सेंटर इज नॉट रेस्पोंडिंग, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू. ओके, बट नाउ माई रिक्वेस्ट वुड बी, अभी मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो कीजिए, उसको फुलफिल कीजिए. आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स का क्या होगा, वी विल डिस्कस एंड वी कैन डू व्हाट एवर पॉसिबल. ओके ओके, थैंक यू. गुड इवनिंग सर, सुक्रीनिया. या सर, जस्ट वांटेड टू आस्क यू फॉर द प्रैक्टिकल असाइनमेंट, वी विल हैव टू कीप आवर वीडियोस ऑन, राइट? ओके. Do we have to keep our videos on, sir? What videos? I am asking you to send it. You need to send it. For audio, you have to send the audio file. Okay. For the other one, audio, you will be performing on the day. Okay. And for improvisations, you will be asked some questions. That's it. Okay, sir. During the exam, do we need to keep our camera on? That is what I'm asking. Yeah, you need to keep because you are performing on the day. Okay, sir. So we need to buy hat, everything, and be then, ready. Then what is the fun of online examination? Okay, sir. Everybody shutting their cameras, just like on the radio program we are listening. So it is at best as a blind medium. Sir, okay. One query. The monologues you will send to us, it will be solo, monologue in monologue pattern. Sushil Kumar Singh, when I send you the speeches, you yourself can understand. It won't be a dialogue. Okay. Oh, thank you. Understand what is dialogue? Dialogue means it is the conversation between two people. It won't be like that. Don't worry. उसमें वेबसाइट में वो दिखाता नहीं है. क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं है. प्रैक्टिकल असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है भाई साहब, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है ना. अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं, इसलिए नहीं दिखाते. हाँ, वो पूरा जब होगा तभी तो उसमें रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है सर, सो आफ्टर दिस एग्जाम यू कंप्लीट एवरी डैम थिंग, देन ओनली आएगा. ओके, है ना? ये इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट का वो कार्ड थोड़ा ही बनता है ना. ठीक है सर. ओके, तो दोनों कंप्लीट कर दोगे तो तब जाके वो जुड़ के बनेंगे, है ना? ओके सर. ओके सर, सुक्रीन अगेन, जस्ट वांटेड टू आस्क, कैन वी कीप द पेपर इन हैंड इन केस वी फॉरगेट द डायलॉग? हां, दैट्स ग्रेट. You need prompting. You keep somebody. You employ one fellow. No, not prompting, sir. Can I keep the paper in front of me when I'm saying in case I forget the dialogue? Supreme ji, I'm giving you damn 10 days. You need to practice. This is an examination. This is open university. Is not open book examination. Open university. Open university doesn't mean that it is a open book, है ना? खुली किताब नहीं है हमारी जिंदगी. कभी कभी उसे बंद करना पड़ता है. तो आपको 10 दिन दिया गया है, तो एग्जाम तो इसी बारे में है ना. तो आप 10 दिन में कितना सीख सकते हैं, देखिए ना क्या हो सकता है. एंड डू वी नीड टू
So do we need to practice the whole monologue? Like suppose if it is a big monologue, do I need to practice the full monologue if I say a few lines? A few lines, you get few marks. Yeah, as simple as that, you know. So if you have a atta of two rotis, you can make two rotis. If you have only atta for one roti, you will prepare only one roti. That's it. As simple as that. Sorry sir, मैं थोड़ा disconnect हो गया था. तो ये जो monologues होंगे वो कोई famous script का part होगा या फिर something else? मुझे पता नहीं अभी तो. तुमको क्या चाहिए? Okay. सर जो भी आएगा एग्जाम एग्जाम है मैं एग्जाम एग्जाम है ये आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्वेश्चन पेपर अभी आउट होने वाला है थोड़ी देर में मैं आपको सारे स्क्रिप्ट्स अभी मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा है ना इसीलिए मैंने चॉइस दिया है व्हेन आई से फाइव स्पीचेस वी हैव एम्पल चॉइस यू नो आपको दो सेलेक्ट करना है पांच में से तीन इतना चॉइस कोई देगा क्या सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ थैंक यू सर थैंक यू सो मच Sir, we have to send us speech and the music pieces to your email ID that you have sent us before. That Ignu. Yeah. That one. Yeah. Okay, sir. And the exact time of the examination is. I already told you. If you miss the bus, I can't help you. Have you joined? Exact time is 10:30 a.m. बताया ना तुमको पता है मेरे को टेस्ट कर रहे हो. No, sir. Just. Then. I'm just assured. आपको ऑनलाइन एग्जाम है ना आपकी अटेंडेंस मार्क होगी वहां पे आप नहीं है तो नहीं है आप है तो है ना अभी जैसे दिख रहे हो तुम लोग सभी जिन जिनका कैमरा ओपन है कि जिसका नहीं है तब भी नाम तो दिखाई देगा और ये जो सेशन चल रही है चलेगा वो रिकॉर्ड भी तो होगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि आप है या नहीं है हाजी ये थोड़ा ध्यान रखना समझ रहे ना उसके बाद कोई जुगाड़ नहीं होगा जो हिंदी में अपन दिल्ली में बोलते हैं ना हम लोग थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं नहीं होगा जुगाड़ गुड इवनिंग सर सर रोहित त्रिवेदी हाँ रोहित जी बताइए योर क्वेश्चन इज जेन्युइन टेल मी सर जस्ट दिस वाज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल दैट हैपेंड अनफॉर्चूनेटली आई हैड मिस्ड दैट सेशन एंड लाइक आई सेंड यू द वीडियो देयर वाज नोबडी टू कोलैबोरेट सो आई हैड कोलैबोरेट तो मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे पता लग जाता है पीछे से भी देखता हूँ मैं मेरा मुश्किल ये है कि मैं आप आगे से भी देखता हूँ पीछे से भी देखता हूँ मुश्किल होती है यू नो वाईफाई की तरह 365 डिग्री मुझे समझ में आ जाता है क्या करूंगा चीजें भूल नहीं पाता हूँ रोहित इसीलिए मेरे को मुश्किल होता है जो चीजें भूल जाता है ना आदमी वो सुखी रहता है जिंदगी में इग्नोरेंस इज क्या बात है चीजें भूल जाते हैं हम लोग आराम से रहते हैं हमको एग्जाम है हम भूल गए आराम से रहे हमको पता हो रहा है कि 14 तारीख एग्जाम है हम टेंशन में आ जाते हैं तो मेरे लिए भी इसी तरह का दिक्कत है तो डोंट ट्राई टू सेंड मी ऑल ऑफ यू डोंट सेंड मी ओल्ड ऑडियोस नया नया ताजा ताजा बना के भेजो ठीक है डन इमरान तुम्हारा माइक ओपन है एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क नो सर डन डन देन क्लोज योर माइक्रोफोन अंजलि बताइए If the pandemic conditions ensue अगले term तक भी, will you be conducting the exams in a similar fashion next term में? Next time I'm going to close this program. Close as in? I'm planning because it is having some, you know, people are not able to join this program very. I mean, every time when I conduct sessions, people are complaining about मेरे पास internet नहीं है, मेरे पास ये gadget नहीं है, ये वो मुश्किलें आ रहे हैं. So let me see. How much time it will continue? Not only pandemic, this program now it is coming under the web-enabled assessment, web-enabled academic support. So in future also, if at all the sessions will go in a similar fashion only, they will go, Anna. At least for the certificate about program. Those people who have validity next term also, what about them?
उनकी जो वैलिडिटी होगी जब तक 2 साल का जो वैलिडिटी है तब तक वो लोगों का एग्जाम चलेगा, तब तक ऑनलाइन ही करेंगे है ना। उन लोगों का बैच जहां तक चलेगा उनका फिनिश, अभी जो नया सेशन आने वाला है अभी पीपल आर गोइंग टू जॉइन मी, सो दे आल्सो हैव देयर यू नो ट्रांजैक्शन ऑफ दोस क्लासेस एंड देयर एग्जामिनेशंस विल बी डन बाय इन सिमिलर फैशन, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव राइट नाउ है ना। हमको उसी तरह से कनेक्ट करेंगे। अवस्थी हैज रेज्ड हैंड। अविनाश या सर, इन मेरे को भी यही पूछना था जो अंजलि मैम ने पूछा कि अभी मैंने एग्जाम तो दिया नहीं है, तो अभी प्रैक्टिकल असाइनमेंट सबमिट कर दिए और प्रैक्टिकल एग्जाम दे देंगे तो इसके मार्क्स मेरे पास आ जाएंगे और बाकी एग्जाम के बाद भी आएगा राइट? आ जाएगा, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। नहीं बात खत्म। जयंती बोल रही है वो? यस सर। हाँ तुम्हारा नाम इधर कुछ और दिखाई दे रहा है। तुम्हारा नहीं दिया क्या? इस बार नहीं दिया है मेरे। तो फिर नेक्स्ट सेशन में दे दो, तब जाके तुम्हारा पूरा मार्क्स जुड़ेंगे और जब तब तुम्हारा पूरा रिजल्ट निकलेगा ठीक है। जब तक वैलिडिटी है ना, वैलिडिटी क्या है, 2 साल का होता है। इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट राइट नाउ यू कैन कंप्लीट इन विद इन द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। जब आप उसकी एडमिशन स्टेटस आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका जो सेशन है वहां जहां तक वैलिड है उसमें ही दिखा देते हैं इंटरनेट में, आपको पता लग जाता है कि आपकी वैलिडिटी कब है। तब तक आप हमें सता सकते हैं, हम लोग फ्रेंडशिप चलता रहेगा। गोविंद कुमार, व्हेन इज द रिजल्ट गोइंग टू बी आउट, व्हेन इज द रिजल्ट गोइंग टू बी आउट फाइनली, फाइनल रिजल्ट? शादी नहीं हुआ, बच्चा कब पैदा होगा ऐसा पूछ सुशील। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं यार सर। 14 तारीख आने दो, 14 तारीख आने दो। देखो मेरे पास 40 दिन है, यूनिवर्सिटी हैज गिवन मी 40 डेज टू डिक्लेयर द रिजल्ट। जब भी एग्जाम होता है मेरे पास 40 दिन का टाइम होता है कि उसमें मैं रिजल्ट बना के भेजूं। 40 दिन के बाद यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट। Okay, that is the rule. University का rule है। हाँ। Sir, सुक्रीन, practical और theory का मिला के passing होगा, right sir? ऐसा कैसे? 100 marks ना sir total? Practical, अरे practical का 100 marks है, theory का 100 marks है। नहीं नहीं जो सॉरी रिटन और इसका रिटन असाइनमेंट दिए हैं वो और जो एग्जाम लिखे। That's what I'm saying ना, theory का जो रिटन असाइनमेंट है 30 का है, थीरी का टर्मेंट है वो 70 है, दोनों मिला के हो गए 100। अब प्रैक्टिकल कोर्सेज का जहां सवाल है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स का 30 मार्क्स है, अभी जो फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला वो उनका 70 है, दोनों मिला के 100 ईच। तो दोनों मिला के पासिंग आएगा ना सर ईच कोर्स के? हाँ उसमें टोटल आपको 40% आना पड़ेगा, 40% इन असाइनमेंट एंड 40% इन योर टर्मेंट, then only you will pass. Assignment में 40% कितना हो गया? 30 में 40 कितना होता है? 12 सर। 12 marks आपको 30 में आना चाहिए, है ना? और जो 70 में करीब आपको you should get some 28 marks so that you can get through the examination. Now you understand? Simple mathematics. Okay sir. I am good in maths but I am trying to explain you. थर्ड पेपर ओबीए 2 वॉज लेंदी वन, इट वॉज इजी बट लेंदी एंड इर्कसम, दे आस्क 10 क्वेश्चंस इन ऑल। राइट है, राइट सर, अनएक्सपेक्टेड। हाँ बहुत अच्छा है, बट कभी तो कभी ना कभी तो कुछ तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो झटका लगे ना थोड़ा बहुत। तो आपको पता चला है आप कितने पानी में हो सर? मैं फिलिंग का ब्लैंक मिला है, फिलिंग का ब्लैंक मिला नहीं सर। यूजुअली एवरी ईयर दे विल दे वेर आस्किंग 6 और 7 क्वेश्चंस एट लीस्ट, मोस्टली 6 और 7 क्वेश्चन, बट दिस टाइम दे आस्क्ड 10 क्वेश्चंस टू डू। So you are lucky then.
related to the monologue, sir. So before the practical, sir, is it possible that, you know, we could send you the monologue to see ki ye sahi ho raha? That's what I'm saying now. One monologue you send me, the other monologue you are going to perform on the day. That's it. Okay. Five. So you can out of five monologues, you practice any two. One monologue is supposed to be sent to me, audio, and the other monologue on the day. Only audio, sir? No video? On the day, both video and audio. Okay. आपका चेहरा देखना चाहते हैं लोग, नासिक से रोहित कैसे दिखेगा, कृष्णा सोनी बताओ. हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जब जैसे कि इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस किया था तो हमने टाइम स्पेस एंड एक्शन तीनों चीज का यूज किया था, तो इसमें भी सेम चीज करना है? अरे मत करो, कैसे ले जाओगे? तो क्या एक वो सेल्फी स्टिक लेके घूमते रहोगे? नहीं ठीक है, अब वो बट डोंट ट्राई कि एनीथिंग एक्स्ट्रा जो मार्केट एरिया में चले गए कुछ उधर उधर घूमते रहे, ऐसा नहीं. तो बी देयर इन योर रूम एंड यू कैन डू इट सो दैट वी कैन लिसन टू यू केयरफुली. ऑडियो डिस्टरबेंस नहीं होगा ऑन द डे. ओके सर, थैंक यू सर. आप बोलिए. ठीक है, अभी क्वेश्चंस खत्म हो गए. Anybody left out? किसी ने? Sir, I have a question. हाँ तरुण बोलो. सर सबसे तो सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल का क्लियर हो गया, मुझे एक थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन पूछना. मैं क्या पूछूं? आप पूछो, अलग से ही पूछो. सर आपने जैसे अभी कहा कि शायद आप ये कोर्स बंद करने जा रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, ऐसा कुछ कहा था? तो सर जैसे अभी जो हमने थ्योरी एग्जाम्स दिए हैं उसमें जैसे मैंने अपने दो एग्जाम्स दिए हैं, तीसरा नहीं दिया, तो उसके एग्जाम्स होंगे मतलब आगे? होंगे यार, होंगे जब तक तुम्हारी वैलिडिटी रहेगी ना, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ तरुण. जो जो लोग अभी नहीं दे पाए, अभी एक अगला सेशन भी आएगा मेरे साथ, तो नाउ द करंट सेशन ऑफ जनवरी 2021 सेशन इज ऑन, उसके एडमिशंस अभी जो हो रहे हैं, दिस प्रोग्राम इज ऑन ऑफर. आई एम जस्ट मूविंग ए प्रपोजल, अभी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया नहीं है इस तरह का प्रपोजल को स्टॉप करने का, दैट्स एन आइडिया. अब जब तक आपका जो वैलिडिटी होता है ना, जब तक है आप उस, तब तक आप एग्जाम लिख सकते हैं. एक लिख दिया, उसके बाद दूसरा कभी लिख दिया, जब तक आपका टाइम परमिट कर रहा है आप लिखते जाएंगे और आपका असेसमेंट होगा, उसके बाद शायद मुश्किल होती है. ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर. ओके मनोज, टू वीडियोज आई नीड, नॉट वन, टू वीडियोज वन ऑडियो. ओके आई विल बी सेंडिंग फाइव म्यूजिक पीसेस. Out of that, you can select any two music pieces and make two videos of movement and then send it. And regarding audio, I already told you five audios, five speeches आएंगे. उसमें से दो select करेंगे, एक audio भेजेंगे, एक audio उस दिन perform करेंगे. Okay, मना. Okay, done. Right. Sir, एक last question था. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेपर एक बार ही दिया, फिर दूसरा पेपर दूसरे सेशन में दिया, क्या ये भी हमारे पास ऑप्शन है? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपका दो साल तक वैलिडिटी होता है और हमारे एग्जाम्स साल में दो बार होते हैं. ठीक है ना, अभी फेब में हो गया, अब नेक्स्ट कब होगा एग्जाम? दिसंबर में या जुलाई में, जब भी होगा आप उस टाइम भी लिख सकते हैं एग्जाम्स को. अभी शायद जुलाई में एक एग्जाम होगा और दिसंबर में भी होगा. जो आपने फेब में लिखा है ना, वो एग्जाम्स एक्चुअली दे आर सपोज टू बी कंडक्टेड इन दिसंबर, बिकॉज़ ऑफ दिस पैंडेमिक इट दे वर कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी, बट दिसंबर में भी एग्जाम्स हुए थे. बट द टू फैसिलिटेट दोस पीपल हु कुड नॉट एबल टू डू इन दिसंबर बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल, यूनिवर्सिटी हैज गिवन परमिशन टू यू नो अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. क्योंकि कुछ लोगों का सपोज दिसंबर में उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, खत्म हो रही थी, वो अपना एग्जाम्स नहीं लिख पाए कोविड की वजह से, उन सभी लोगों को हमको फरवरी में चांस दे दिया यूनिवर्सिटी ने. समझ रहे हैं ना आप? अभी आपके पास वैलिडिटी देखेंगे, सपोज ईयर एंड तक है तो यू कैन अपियर इन जुलाई एंड एज वेल एज इन दिसंबर. जो दिसंबर तक अगर आपके पास वैलिडिटी है तो आप दिसंबर तक दो सेशन आपको मिल जाएंगे, उसमें आप एग्जाम अपना कम्प्लीट कर सकते. ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर. सर पलाश Palash, tell me. Sir,
आई हैव गिवन एग्जामिनेशन, थियरी एग्जामिनेशन, एंड आई हैव सबमिटेड असाइनमेंट एज वेल एज प्रैक्टिकल्स. द ओनली थिंग आई एम लेफ्ट विथ इज प्रैक्टिकल एग्जाम. सो आई जस्ट वॉन्ट टू समराइज इट बिकॉज आई जॉइन लेट. सो ओनली आई हैव टू सबमिट इज टू पीसेज ऑफ ऑडियो, वीडियो, म्यूजिकल वीडियो एंड टू मोनोलॉग्स, राइट? Two, not two monologues, one monologue in recording, one monologue live. Yeah, yeah. Okay, sir. Okay. So the only thing I'm left with is this only, right? This time you need to answer the questions regarding the improvisations and psychological aspects of acting on the day. Sorry, three papers, sir. Hai na? Arre bhai, teen paper hai na yaar. Haan, haan. Haan, toh teen ka teesra kya karoge? Mere bhare mein chhod doge kya? तीसरा पेपर इम्प्रोवाइजेशन का है ना, उसके बारे में हम वी आर गोइंग टू कंडक्ट ए वाइव ऑफर. ओके 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 सर, समझ में आ गया अभी? ओके सर, डन. यस सर, वो तीसरा पेपर जो आपने बोला उसके लिए कुछ नोट्स वगैरह रहेंगे सर, फॉर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड? हां, मतलब जस्ट आस्किंग, जो इम्प्रोवाइजेशन पे मैंने अच्छा नहीं किया था. So, हाँ, उसको जस्ट सीखने के लिए कुछ. अरे बहुत अच्छा किया. और ये आज तक मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? हाँ, ओके सर, ठीक है सर, आई गेट माय आंसर. और सर एक और सवाल है सर, अगर किसी ने एग्जाम लिखा है और अगर एग्जाम अच्छा नहीं दिया है तो वो एक और चांस में बैठ के आंसर कर सकते हैं? इज दैट भाई, यही तो समझा रहा हूँ मैं इतने दिनों से. आशु, यू इफ योर वैलिडिटी इज देयर, एज लॉन्ग एज योर वैलिडिटी का जो चलता है, तब तक आप एग्जाम दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब तो री दे सकते हैं, खुद से री, मतलब एग्जाम दे चुके हैं उसको री. हाँ, दे चुके हैं. अच्छा मार्क्स नहीं आया, आपने समझा, फिर देना चाहोगे दे, दे दो, एग्जाम फीस भर दो. सर, she means to say perhaps she is asking about anything like improvisation exam or back paper like. Making the grades better. वही तो मैं समझा रहा हूँ ना. If you feel that you have not done well, again you want to appear, you do it. Move on the questions. Yes, that okay. is the point. अभी तो theory हो गया, आपको लगता है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया मगर आपको कम marks मिले, तो आप revaluation के तरफ भी जा सकते हैं. University देती है वो मौका. Okay sir. रिवैल्यूएशन पे जाएंगे तो रिवैल्यूएशन में जाएंगे, अगर आपको रिवैल्यूएशन में ज्यादा मार्क्स आएंगे तो वो आप मार्क्स आपको मिलेंगे. रिवैल्यूएशन में अगर आपको कम मार्क्स मिलते हैं तो पहले जो आपको मार्क्स मिले वो आपके पास रिटेन होंगे, समझ रहे हैं ना? दैट इज द रूल. यस सर. सर जो आप मोनोलॉग वगैरह भेजेंगे उसका आपने फिर से वो लैंग्वेज वाइज यू विल हैव एन ऑप्शन ना, इंग्लिश या हिंदी में देने का? सर नो ऑप्शन, ओनली हिंदी. थैंक यू सर. अब इतना ऑप्शन कहाँ मिलेगा, है ना? नहीं नहीं मिलेगा अभी. नहीं, हम हिंदी से खुश हैं सर, इसके लिए बोल. हाँ, यही मैं बहुत खुश हूँ इसलिए दे रहा हूँ, हालांकि मुझे हिंदी में रिजर्वेशन है मगर मैं दे रहा हूँ. सर इंग्लिश भी दे दो मोनोलॉग, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट सर. तो एक काम करो, आप हिंदी का मोनोलॉग लेके ना उसको ट्रांसलेट कर लेना. डोंट टेक एनी अदर मोनोलॉग ऑफ योर ओन, व्हाट एवर आई एम गिविंग यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, परफॉर्म कर लो. इससे दो काम हो जाएंगे, वन थिंग दैट यू विल लर्न वेरी फास्ट बाई ट्रांसलेटिंग इट बाई यू योर सेल्फ, देन इट इज वेरी इजी, क्योंकि इंग्लिश की आप इंग्लिश का तो आपका आपको क्या कहना, आपको तो इस बैच का शेक्सपियर आप ही तो हो और क्या. सर सर ट्रांसलेटिंग में गड़बड़ हो सकती है सर. एक बार एक बच्चे को बोला कि चल तो इंग्लिश ट्रांसलेट करके बोल दे, तो हाँ. वो था कि बुलेट्स आर वॉकिंग ऑन द ये मुंबई की सड़क पे गोलियां चल रही थी, तो अच्छा, उसने कहा बुलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड ऑफ बॉम्बे. नहीं, मैडम तो टीचर है भाई, ऐसा गलती नहीं होगा. सर प्लीज सेंड इट फॉर अस बिकॉज़ आवर ओरिजिनल लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल हिंदी, सो इंग्लिश कुड बी बेटर फॉर अस. नो यू नो यू शुड ट्राई शाविक. ओके सर, तो यू वांट टू ट्रांसलेट इट इन बंगाली? नो सर, नॉट बंगाली बट इन इंग्लिश.
So translate in English and tell me what is that. The similar option is given to you. है ना? फिर हाथ खड़ा कर दिया, बोलो. खत्म हो गया क्वेश्चन. सर प्रेरणा इज हियर. सर रीजनल लैंग्वेज का अलाउ हो सकता है कन्वर्शन? आप हिंदी बोल सकते हैं ना? हिंदी बोल सकते हैं हाँ. बस ठीक है ना, और क्या जी? जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ आप भी बोल सकते हैं, जबकि मेरा हिंदी में उतना ये नहीं है. जैसे आप महाराष्ट्र से हो तो मैं भी आंध्र प्रदेश से हूँ, हैदराबाद से. दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम. तो हियर द क्वेश्चन इज हाउ बेस्ट यू ऑल लर्न एंड यू डिलीवर द गुड्स. दैट्स इट. डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट. I am always telling you people that attempt itself is the very much important. Humko attempt karna hi important hai. How you are attempting it, that will be tested. That is a second thing. But only thing is, first thing is that you should attempt that. That's it. Usme hi aapka more than 60% aapka exam ho gaya. Matlab you have won the battle. ऐसा आप करते रहेंगे तो फिर लैंग्वेज का बड़ा मुश्किल हो जाएगा. अब हो सकता है कि हम जब बात करते हैं हिंदी तो थोड़ा साउथ इंडियन स्लैंग आएगा, आप जब बात करेंगे तो जो मराठी का झलक आएगा, कोई बंगाली बोल रहा है तो हिंदी उसका फ्लेवर आएगा. तो लेट इट कम. व्हाट इज देयर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना उसका. कोई हम थोड़े ही मना कर रहे हैं कि जैसे इंग्लिश बोलते हैं हम लोग, हमारा स्लैंग कैसा होता है? इज इट ब्रिटिश इंग्लिश? Whether it is American English, no, it is Indian English, but it is valid, isn't it? So don't worry about that. Okay, sir. Thank you. अच्छा लगता है कि आप उस तरह से बोलेंगे, अपने language का flavor भी ला रहे हैं, तो अच्छा होता है. Okay, guys, thank you very much for the session. Any other questions? Last question, last one, two questions. Two questions I will take. If at all not there, sir, it's like a farewell question. Farewell question. Nah, tell me. Give me. सर अभी जैसे ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हमारा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद, रिजल्ट वगैरह के बाद, तो उसके बाद भी सर ये व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सब कनेक्टेड रहने वाले? मैं तो मैं आई एम कीपिंग दैट, आई एम कीपिंग द ग्रुप इंटैक्ट, बिकॉज़ इफ समबडी वांट्स टू शेयर समथिंग अबाउट थिएटर एंड ऑल, नॉट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली, ये नहीं. राइट सर, राइट. थिएटर के बारे में कुछ, क्या आपका जो कारनामा होगा, आपने कुछ कर दिया हमको बता दिया, या फिर सारे ग्रुप को बताना चाहते हैं, तो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा. ठीक है? राइट. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू गाइस. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. आई विल बी शेयरिंग यू जूही. थैंक यू सर. थैंक यू. आई विल बी शेयरिंग द स्पीचेस एंड द म्यूजिक पीसेस सून. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you. Sir, time. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye. Take care.